बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। डरहम रीजन में मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 41 साल शख्स का ताल्लुक ब्रैम्पटन से है, मुलजिम एक से ज्यादा वाकयात में मुलविस है। कैनेडियन हुकूमत की इतिहादी जमात का लिबरल्स के साथ दोबारा इतिहाद ना करने का फैसला। एनडीपी रहनुमा जगमीत सिंह का कहना है कि अभी तवज्जो इंतखाबात पर मरकूज कर रहे हैं, लिबरल्स लोगों की मदद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसराइल में एक और कैनेडियन की हलाकत की तस्दीक। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि भारी दिल के साथ उनकी मौत का इल्म हुआ। कैनेडा उनके खानदान और प्यारों के साथ इसके नुकसान पर सोगवार है। कोलोराडो के बाद एक और अमरीकी रियासत से ट्रंप इलेक्शन के लिए नाअहल। ट्रंप को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। ट्रंप का फैसले के खिलाफ एतराज दायर करने का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Welcome back. Durham region ke police ka kehna hai ki Brampton ke ek 41 saala shakhs par poore saal ग्रेटर टोरंटो एरिया में हिंदू मंदिरों में मुतादिद तोड़फोड़ करने और दाखिल होने के बाद फर्दे जुर्म आयद की गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डरहम रीजन की पुलिस का कहना है कि ब्रैम्पटन के एक 41 साल शख्स पर पूरे साल ग्रेटर टोरंटो एरिया में हिंदू मंदिरों में मुतादिद तोड़फोड़ करने और दाखिल होने के बाद फर्दे जुर्म आयद की गई है। पुलिस के मुताबिक ब्रेक उन नफरत से मुतासिर दिखाई नहीं देते। पुलिस का कहना है कि उन्हें 8 अक्टूबर को पिकरिंग में बैली स्ट्रीट और क्रोसनो बॉलीवुड के इलाके में एक हिंदू मंदिर में एक बार फिर दाखिल होने के लिए बुलाया गया था। एक शख्स अतिया खानों से नकदी लेकर मंदिर से फरार हो गया। उनका कहना है कि उस सुबह के बाद एजेक्स और पिकरिंग में दूसरे मंदिरों में घुसने की इत्तला मौसूल हुई थी। पुलिस का कहना है कि मुश्तबा शख्स का ताल्लुक डरहम रीजन और जीटीए में मंदिरों की तोड़फोड़ से है। पुलिस का कहना है कि उस शख्स पर दीगर इल्जामात के अलावा 4 बार ब्रेक एंड एंटर के इल्जामात आयद किए गए हैं। कनाडा की हुकूमती इतिहादी जमात एनडीपी ने लिबरल्स के साथ आइंदा मखलूत हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमती इतिहादी जमात एनडीपी ने लिबरल्स के साथ आइंदा मखलूत हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया है। एनडीपी लीडर जगमीत सिंह अगले विफाकी इंतखाबात के बाद अगर कोई पार्टी वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं करती है तो लिबरल्स के साथ मखलूत हुकूमत बनाने के इम्कान को मुस्तरद कर रहे हैं। सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये मेज से बाहर है, हालांकि दोनों जमातें मिलकर काम कर रही हैं। ये ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। हम इस पार्लियामेंट में काफी काम करने और फिर जीतने के लिए भागने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। दोनों जमातों ने मार्च 2022 में एक मुहादे पर दस्तखत किए जिसमें एनडीपी ने एनडीपी पॉलिसी की तरजीहात पर कार्रवाई के बदले पार्लियामेंट में कुलीदी वोटों पर अकलियती लिबरल्स की हिमायत करने पर इत्तेफाक किया। इस तआवुन से अब तक दांतों की देखभाल का एक कौमी प्रोग्राम, कम आमदनी वाले किराएदारों के लिए एक बार के किराए की सप्लीमेंट्स, जीएसटी की छूट को आर्जी तौर पर दुगना करने, मुतबादल कारकुनों पर पाबंदी लगाने वाली कानून साजी और मकामी अफराद के लिए सरमायाकारी का बाइस बनी है। फरीकैन ने अपने मुहादे को 2025 तक बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। इस साल अक्टूबर तक विफाकी इंतखाबात होने वाले हैं। सिंह ने कहा कि इस मुहादे से उन्हें लिबरल्स को करीब से देखने का मौका मिला और ये देखने का मौका मिला कि विफाकी हुकूमत कैनेडियनों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कितनी ताकतवर है। सिंह ने कहा,
और मैं बहुत वजाहत के साथ कह सकता हूँ कि वो लोगों की मदद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं पहले से ज्यादा हौसला मंद हूँ कि मैं अगला वजीर आजम बनना चाहता हूँ, यही मेरा मकसद है। दूसरी जानिब ट्रूडो ने कहा है कि उन्होंने न्यू डेमोक्रेट से मुमकिन तौर पर इंतखाबात के बाद मखलूत हुकूमत बनाने के बारे में बात नहीं की है क्योंकि उनकी तवज्जो अभी पर है। हमास के इसराइल पर हमले के बाद लापता होने वाली वाहिद कैनेडियन शहरी के अहल खाना ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हमास के इसराइल पर हमले के बाद लापता होने वाली वाहिद कैनेडियन शहरी के अहल खाना ने उनके मौत की तस्दीक कर दी है। एक रिश्तेदार का कहना है कि 70 साल जोडी वाइनस्टाइन 7 अक्टूबर को उन हमलों के दिन हलाक हो गई थी, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 1200 अफराद हलाक और तकरीबन 240 यरगमाल बनाए गए थे। खानदान का कहना है कि उसकी लाश गजा की पट्टी में रखी गई है। गुज़िश्ता हफ्ते हुकाम ने खानदान के शुभात की तस्दीक की कि 73 साल गॉडी हागई 7 अक्टूबर को इंतकाल कर गई थी। हालांकि रिश्तेदारों को अब भी उम्मीद है कि वाइनस्टाइन हैगई को रिहा कर दिया जाएगा। कनाडा के वजीर खारजा मेलानी जूली ने जुमेरात को सोशल मीडिया पर कहा कि भारी दिल के साथ उनकी मौत का इल्म हुआ। जूली ने कहा कि मैंने उसके खानदान से मुलाकात की है और उन्होंने उसे प्यार करने वाला, मेहरबान और हमदर्द बताया है। कनाडा उसके खानदान और प्यारों के साथ उसके नुकसान पर सोगवार है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने इससे कबल 8 कैनेडियंस की मौत की तस्दीक की थी, जिनमें एक लबनान में भी शामिल था। उसके साथ एक दूसरे शख्स के साथ उनका कहना था कि उसके कनाडा से करीबी ताल्लुकात थे। वाइनस्टाइन हैगई रियासत न्यूयॉर्क में पैदा हुई थी, लेकिन वो 3 साल की उम्र में टोरंटो पहुंची और 20 साल बाद अपने शौहर के साथ रहने के लिए इसराइल चली गई। उनके पास कैनेडियन, इसराइली और अमरीकी शहरियत थी। वो नीर ओस कबूतर्स में रहती थी, जो गजा की पट्टी से 3 किलोमीटर से भी कम फासले पर वाकया है। नीर ओस कैप्टिस ने एक बयान में लिखा है कि वाइनस्टाइन हैगई 4 बच्चों की माँ, 7 बच्चों की दादी और उन्होंने खित्ते में अमन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से इकदाम किए थे। वाइनस्टाइन हागई एक रजाकार थी जिन्होंने फलस्तीनियों और इसराइलियों दोनों की मदद की। उसने तालिबे इल्मों को अंग्रेजी सिखाने में मदद के लिए कठपुतलियाँ बनाई और अक्सर यूट्यूब पर हाइको और मराकबा पोस्ट करती थी। कोलोराडो के बाद अमरीकी रियासत मीन ने भी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कोलोराडो के बाद अमरीकी रियासत मीन ने भी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने रियासत मीन के फैसले को जालमाना करार देते हुए फैसले के खिलाफ एतराज दायर करने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत मेन ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम सदारती प्राइमरी बेल्ट पर आने से रोक दिया। रियासत मेन की इंतजामिया का कहना है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट अभी रियासत के उस हक को जांच रही है कि आया उसे ट्रंप को नाअहल करार देने का हक है या नहीं। याद रहे कि रियासत मेन से पहले रियासत कोलोराडो भी डोनाल्ड ट्रंप को कैपिटल हिल हमले के जुर्म में प्राइमरी इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे चुकी है। अमरीकी रियासत मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को प्राइमरी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी थी। गैर मुल्की खबर रसा अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने मुख्तसर फैसले में मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि अदालतों को प्राइमरी इलेक्शन के मामले पर फैसला नहीं देना चाहिए। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Thank you.